इसने मेरा खून पी रखा है। मतलब है अभी सुबह सुबह के 10 बजे हैं और इसने जीना हराम कर दिया। नुके बहु बहु नुके एक काम करे, नुके खून पी रखा, जाके एक कप कॉफी बना। कहां पे खून पी रखा, कैसे टमाटर की तरह लाल हो रही हूं। कहां तो पी रखा तेरा खून। ईव तो मैं कुछ भी ना हूं, जब ब्याह आई थी ना, जब थी बहुत मोटी, जब ब्याह आई जब मोटी थी। और ईव अपनी सेवा करवा करवा, मतलब जब ये ब्याह आई ऐसी थी जैसे इसका पी लिया हो रहा हो। अब कुछ खुआ पिया के हमने ठीक कर दी। तेरे मेरे छोरे की हालत है कैसी कर दी। अब तो मम्मी अब तो जूस ले रही है दोनों टाइम। मेरे छोरा सासु माई काम कर, जाके एक कप कॉफी बना ला मेरे खातर। मेरे छोरा के देख तने कितनी खुशकी कर दी थे, खोपड़ी के आधे बाल भी उठ गए। बिल्कुल बाल ना बिसरा गट बट कर दिया सारा। इवे तो बेटे बेटे के उड़े हैं सुकरमान। यानी अगर आज मैंने टाइम पे कॉफी नहीं मिली ना, मतलब है तेरे लिए कॉफी मैं बना के लाऊं ना, और तेरी भी माँ आवेगी बनाने खातर। शर्म आवे कुछ, दहेज तो तने लिया और कॉफी कौन बना के पियावेगा। के दहेज लेके आई, बहुत कुछ लाई थी, बता के लेके आई। ये देखिए कितनी सारी चीज पहन रखी, ये सब दहेज में आई थी। क्यों झूठ बोल रहे हैं। अगर तू ऐसा दहेज लाने वाली होती तो मेरा छोरा ढोल ढप्पे लेकर गाता बजाता ना ढोलता। सही बात कह रही है। बस सुन ले मेर मम्मी आ कार ना करते, फिर अटारी में बैठते दोनों। हाँ। हम बुढ़े हो गए गाते बजाते, अगर तू दहेज लेकर आती तो हम छोड़ ना देती हूँ। दहेज तुम्हें ज्यादा पैसे की भूख है। अरे मैं मेरे बस की ना काम वाम करना, सुबह सुबह तेरा पेट भरे। मेरा पेट तो भरा भरा है, तेरे फैशन पूरे ना होते। सुन ले मेरी बात, बता। ओ बहू सिर पे चढ़ा रखी, असल तो गलती तेरी भी ना है, ये सारे पे की छोरे के बोए उड़े। अगर यू काम का हो मतलब तो ना बोले, यो मैं तो प्यार करे है तो इसमें भी इसकी गलती है। कोई कोई प्यार करे, मैंने इतना समझाया कि बेटा मैं देखभाल के अच्छा सा रिश्ता लेके आऊंगी। ए मम्मी तेने बहू ऐसी पटोला से दिवा दी, जीना कर तो यार छोड़ के जाने को, सर पे चढ़ाने लायक है। ओ बहू सिर पे चढ़ा रखी, ओ मेरे बेटा सांडे ने। क्या बात है, सासू माँ गावे तो बड़े जोर का है, बजावे भी बहुत जोर का है। बेटा मैं तो गाऊं जोर का हूँ और मेरा छोरा बचकर रही है, बहुत जोर से बजावे बजावे। और सुन ले, हुकत राम उठावेगा किसे, या मेरी सासू रांडने। ए चुप है, चुप क्यों रहो। एक बात बता, आज इन सबने बताऊंगी कितने बड़े बड़े अत्याचार करे मेरे ऊपर। रांड ना कहती है, सुहागन मरूंगी। यह बात बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा बता रही हूँ, और अब तो मरने के चांस भी खत्म हो लिए। मतलब मेरे ने तो सांड बतावे, अब तो श्राद्ध खत्म हो लिए, नौराते लग गए, अब कोई चांस ना है। ओ बहु सिर पे चढ़ा रखी मेरे बेटे सांड ने, फिर
फिल्म देखने का ही हो जावे मेरे ससुरे गेला फिल्म देखने। सुन ले ऐसा ना कहे कि पापा भी जवान। अरे ताऊ तेरी कसम है आज तक इसने मैं फिल्म देखने भी नहीं जान दी। अखर सो देता है मम्मी बदनाम हुई। अरे रुक जा गुरुजी रुक जा। मतलब क्या करी दोबारा कही है? मतलब जब फिल्म देखने मतलब तेरा जी करे जब मैं चली जाऊं फिल्म देखने। हाँ सुबह सुबह झूठ बोल रही शर्म आवे कुछ? झूठ ना बोलती टाइम हमारा पर मौज तुम कर रहे हो दोनों। एक बात बताऊं तू यही झूठ बोल रही कि आज तक यही काम नहीं करा तेरे ससुरे ने सारे काम करे आज तक हॉल में ही पिक्चर नहीं दिखाई है। हाँ और जो मैं दहेज में इतनी बड़ी एलसीडी लाई उसमें कौन देखे है? उसमें भी तुमने अपने कमरे में रख रखी बैठक में लगा रखी। कभी कभी इन आगे झूठ मत बोले। जब डिश पे कोई फिल्म आवे जब देख लूं बेटा ना तो वो भी ना देखती नाटक फाटक देख लूं। और जो आज आजकल फिल्म आई है दबंग जिसमें गाना मुन्नी बदनाम हुई वो फिल्म देखे है तू? हमारे आदरणीय है लड़ाई से पड़ोसी बड़े खुश रहे ये तो सच्चा ही है। इस रागड़ी पर अमरीश वैसला उर्फ पप्पू मेवला भट्टी से 500 रुपए इस जोड़े के ले दिए। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा इस रागड़ी पर देते हैं। और 200 रुपए संजय उल्हाबास गुड़गांव से देते हैं। इन सभी का से पार्टी के समंच के माध्यम से बार बार धन्यवाद। लो जी और आज सारी बात बताऊंगी कितना कितना दुख उठावे तू मेरे ऊपर। हाँ तेरे ऊपर मैं कितने कितने दुख उठाऊं? हाँ हाँ तू कितने दुख उठावे है मतलब मौज कर रहे तू। नौराता में कितने झूठ बोलने की कोशिश कर ले फिर भी जबान में सच्चाई आ जाओगी लगी रह तू। नवरात्रे में मतलब व्रत में राखूं और फल तू खावे दोनों टाइम दूध पीवे व्रत रखने का मतलब फुफू चूल्हा अब देख लो तुम्हारे ऊपर मेरे सर पे चढ़ रही है तो ओ मतलब फूफू चूल्हा घोड़ी टक्कर में थोड़ी फूटी घोड़ी टक्कर में थोड़ी।
तिरछी मांगने मांग देखो किसकी तिरछी है। या तो कलिहारी बड़ी महतारी, या तो कलिहारी बड़ी महतारी, बड़े तिरछी मांगने। ओ मेरे जी में, मेरे जी में, मेरे जी में है जिया, तोड़ दूं दोनों टांगने। बस सिर पे चढ़ा रखी मेरे बेटे सांडने, सिर पे चढ़ा रखी मेरे बेटे सांडने। और हेलो 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 सौ रुपए शिवनंद प्रधान जी। और जो और कह न्यू कह रहे हैं इतना कमारिया, इतना कमारिया जिंदगी भर को तुमको रोजी रोटी कर जाएगी, इसलिए चुपचाप सेवा करती है। सौ रुपए देते हैं इनका बार बार धन्यवाद। मतलब हाँ, इस बात का तो अंदाजा ही नहीं है, मुंह रखने अंदाजा। अकेली ना कमारी मेरे ससुरे की कमाई है। ससुरा बड़ा हल में चल रहा है पूरी रात, मतलब मेहनत करे हर काम करे तेरा, इतनी सेवा करे और ऊपर तो अपने बालकों की भी सेवा करे। अब इन्हें तो झूठ क्यों बोल रहा है, सेवा तो मेरा छोरा भी करे तेरी। तेरा छोरा ना करता मेरी सेवा, अगर सेवा करता तो कोई बात ही ना थी। एक बार सुन ले फिर, सेवा कौन कर रहा तेरी, बात का नाम बता फिर। बता कौन करे अपनी सेवा, हम खुद करें। देखे एक तू अकेली जान, तेरे लिए हम कितने पापड़ बेल रहे पूरा परिवार। बहुत अच्छे। और मैं और तेरा ससुरा और वो हमारा छोरा निकम्मा, मतलब कितने आदमी परेशान रहे तेरे पीछे। मेरे पीछे और मैं सबके पीछे परेशान रहूं, ये परेशान कर रहे थे। इतनी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। अपने कपड़े आप धोवे ना, रोटी अपने आप बनावे ना, मतलब कुछ भी तो ना करे। मैं मन तैसा ला गया, जो छोरा के छोटा मोटे काम है वो भी मेरा छोरा ही करता दिखे, तू वो भी ना करती हो ना, वो तो तुम करो हो ना। मैं नहीं कहूँ, जो मेरे छोरा के छोटा मोटे काम है वो भी मैंने तैसा दिखे, मेरा छोरा खुद करे, वो तू नहीं करती। मतलब अपने छोरे ने कवारी रख लेती, कवारा रख लेती, जब तो ब्याह करके धार लो थे तुम सारे के सारे। ओए ऐसा ना कह देगी मासू, अब तू सारी मेरे बच्चों को हवा है, मेरे छोरा तो भेजी ना लगने भी, जब घर में बहू आ गई ले रोवा दी ना मम्मी। पत्थर भाई भतीजे बस यही बात बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर तू अपने मेरे माँ बाप और मेरे भाई भतीजे तक मत चली जाइयो, अगर तू अपनी गलती नहीं मानेगी तो जाऊंगी। जाओगी? जाओगी, रोके कौन है। अब देख, अब मेरी बात सुन ले, दिखाओ और सुनाओ। अपने धर्म का सही नहीं, क्यों? देख तेरी माँ भी मर गई, तेरा बापू भी मर गया। अच्छा, और मैं सही हूँ, मेरा बाप जीवे इन तक है। खाइयो माँ की सू, माँ तो मर गई। और तेरे भाई भतीजे मरता है मरे जालो हे काम बहुत लगा मैंने। और मैं तेरे छोरे ने बहुत अच्छी लगू, छोरे ना अच्छी लगे तुझे मैं तेने ब्याह के लिए आना छोड़ना होता वहीं गुड़गांव में। छोरे ने अच्छी लगी जब तेने लेके आया। हेलो हेलो, और छोरे की गेल भाई रणवीर कसाना भी अच्छी लग रही तुम्हारी लड़ाई। वैसे मैं समझे 500 रुपए से इस रागनी पर दोनों कलाकारों को भाई रणवीर कसाना जी सम्मानित करते हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। ताली लास्ट में बिल्कुल बढ़िया तरीके से बजा दो। एक बार देखिए कैसा पपैया सा मुंह है, बटवा सा बटवा सा। और फिर एक और भी तूने बहुत अच्छी बात कर दी, एक बुलबुल जैसी बच्ची देखे। मैं बहुत खुश हूँ, बच्चा भी दूंगी चिंता ना करे।
मतलब ओपनिंग होगी क्या? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, कहते रहो अरे फिर से कहो, कहते रहो बड़ा अच्छा लगता है, और जीवन का हर सपना मुझे सच्चा लगता है, खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, खूब लगती हो, सुंदर दिखती हो, जोरदार तालियां।